muchachos, le damos los aplausos. काले चोर, हुकूमत ने तुझ पर 5,000 अशर्फियों का इनाम रखा है। सुनो सुनो सुनो, आज दावत अमन की खुशी में जश्न का ऐलान हुआ है। तू खलीफा का गुलाम नहीं ले जा सकता काले चोर। काले चोर का इंतजार तो 11 मुल्कों के सिपाही कर रहे हो, लेकिन काले चोर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कोई बात नहीं बेटा, मेरी किस्मत में नहीं था। अगर मेरी किस्मत में होता तो मुझे कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता। आदि, किस्मत में होता नहीं, लिखना पड़ता है। ये लीजिए, बड़े चौक में अख्तर नाम का एक आदमी है, वो पुरानी चीजों का कदरदान है, वहां जाके बेचेंगी तो अच्छी कीमत मिलेगी। शुक्रिया बेटा। और दादी, इत्र लगा के जाइएगा, बताया था ना कि पुरानी चीजों का कदरदान है। शैतान कहेगा, तेरा नाम क्या है? अलादी, नाम तो सुना होगा। ऊपर वाला तेरे को लंबी उम्र दे अलादीन। लंबी उम्र का क्या करूंगा दादी, जब सारी उम्र मुस्तफा चाचा की गुलामी करनी है, अब मैं उन्हें क्या दूंगा। दादी, बहुत कीमती चीज है ये, इसको संभाल के छुपा के रखिएगा। ठीक।
दादी दादी मैं पोटली ले लूं। हाँ शुक्रिया दादी। ये काला चोर तो हाथ आया ने उसके चक्कर में ये घुटना जरूर छिल गया। मेरी अम्मी कहती है कि हल्दी वाला दूध पीने से ना दर्द जल्दी चला जाता है, अब आप भी पी लीजिएगा। जी शुक्रिया। बाल्टी निकालो। लो हो गया तुम्हारा 100 किलो कबाड़। तुम खुद 40 किलो के हो, 100 किलो कबाड़ कैसे हो गया ये? मेरा जिस्म छोटा है पर ख्याल बड़े। 40 किलो का जिस्म 60 किलो के ख्याल। हो गया ना 100 किलो? लाओ। गुलबदन गुलबदन गुलबदन। मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं इतना हसीन दिखूं। हाय बस मुझे अपनी नजर ना लग जाए। नजर किसी की भी लगे मगर थप्पड़ मेरे ही लगेगा। अरे कमबख्त, आईने के शोहर सज सवर के लड़कियां देखने जा रहा है। जी अब्बू। अरे कमबख्त, कितनी बार कहा है पराई लड़कियों को अपनी माँ समझा कर बेटा। अब्बू आप हमेशा अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं ना। अब वो तो है। चुप कर कमबख्त और पता कर अलादीन खलीफा का गुलदान लेकर कब लौटेगा। आज चाचा मुझे अम्मी को पक्का घर से बाहर निकालेंगे। लो आ गया अलादीन। ये वक्त है आने का, अब जल्दी से खलीफा का गुलदान दे। चाचू वो एक बूढ़ी भिखारन थी, मैंने उसको दे दिया। बहुत अच्छा किया बेटा। अब्बू कमबख्त, खलीफा का गुलदान भिखारन को दे आया। भाई मेरे भाई ये गलत किया ना। अरे भिखारन को ही देना था तो क्या मेरे अब्बू बुरे थे? चाचू मैं आपके लिए उससे भी कीमती चीज लेके आया हूँ जिसके सामने वो खलीफा का गुलदान ना थूकदान लगेगा। अच्छा ऐसी क्या चीज लेके आया जरा दिखा। खुशियों का अफसाना लिखने कागज कोरा लाया हूँ। मैं एक तिजोरी नहीं चाचू, एक तिजोरा लाया हूँ। तिजोरा? हाँ अब दिल थाम के देखो। मैं एक कटोरा लाया हूँ। कटोरा? ये क्या ये क्या ये क्या है ये? अरे चाचू ये कोई मामूली कटोरा थोड़ी ना है, आदम का कटोरा है। इस पे बाबा आदम खाना खाया करते थे। अल्लाह की नाम पिटी रे बाबा, बाबा आदम का कटोरा है रे बाबा। ये तो वाकई आदम का कटोरा लगता है। लगता है चाचू? है चाचू, आप इसकी नक्काशी तो देखिए। नक्काशी कहाँ इसमें? कहाँ? चाचू उस वक्त नक्काशी होती थी क्या? उस वक्त नक्काशी? नहीं होता था। अलादीन अपने चाचू के जिगर का टुकड़ा। आज तूने अपने चाचू का दिल खुश कर दिया ये बेशकीमती कटोरा देकर। इसकी बदली मैं तुझे दो नहीं तीन एक अशरफी दूंगा। जा खुश रे बैठे जा। आदम का कटोरा। गुलबदन के अब्बू। अरे कहां मर गए गुलबदन के अब्बू? अम्मी प्यारी अम्मी
छोड़ मुझे। ये लीजिए। बिल्कुल अपने अब्बू पर गया है। पता है वो भी ऐसी अपनी मेहनत की कमाई मेरे हाथ पे आला कर रख दिया करते थे। आज वो होते तो तेरी मेहनत की खरी कमाई देखकर बहुत खुश होते। दिन में तारे ढूंढ रहे हैं क्या? जवाब क्यों नहीं दे रहे? गुलबदन की अम्मी, तुम हमेशा कहा करती थी ना मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया। आज मैं तुम्हारे लिए बेश कीमती तोहफा लेकर आया हूं, आदम का कटोरा। कसम सोने की अशर्फियों की, काश आप अदरक होते। क्यों? अरे जी भर के आपको कूट तो सकती थी। क्यों? आदम का कटोरा नहीं, लोहार गली सलीम का कटोरा है। वो कमबख्त अलादीन फिर से आपको बेवकूफ बना गया। अलादीन, अलादीन! अदरक, अब्बू अदरक। शुक्र है कि मेरा लाल इस कमबख्त मारे काले चोर जैसा नहीं है। पूरे शहर में चोरियां करता फिरता है। हाथ लग जाए ना मेरे तो मार मार के गंजा कर दूं मैं इसे। अम्मी 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 ऐसे इतना किसी को क्या कोसना? हमें क्या पता कि वो बेचारा किन हालातों में चोर बना होगा। और वैसे भी कोई चोर पैदा होता है क्या? उसे चोर बनाया जाता है। ये भूख, गरीबी, पेट, समाज, उसका चाचा। क्या चाल चलन चोर बनाता है। तू छोड़िए सारी बातें, मुझे बता भूख लगी है तुझे? आज पूरा शहर दावत अमन की तैयारी कर रहा है तो मैंने भी तेरे लिए शीर कोरमा बनाया है। ये ले, गरम में आ, कमरे में ले जा, छत टपकती है रसोई की। तब तो यहीं पर बैठकर खाने का मजा है अम्मी, शीर कोरमा देर तक चलेगा। ऊपर वाले ने कितनी जिंदा दिली दी है मेरे लाल को, कोई मुसीबत मुसीबत ही नहीं लगती। अलादीन! मर गया अलादीन। अलादीन? अलादीन! अरे अलादीन! कमबख्त कहाँ गया? बाहर निकल, मैं कहती हूँ बाहर निकल। अलादीन! अरे नाज़नीन भाभी क्या हुआ, इतनी जोर जोर से आवाजें क्यों दे रही है अलादीन को? मुफ्त की चीज है, क्यों ना दूं भला। पर एक बात कह दूं रुखसार बेगम, तुम जैसे मुफ्त खोरों को तो मुफ्त में भी कुछ नहीं देना चाहिए। वाए 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 वाए। शेर कुर्मा, दो आने तो इसी में खर्च हो गए होंगे। सबसे कम किराया देती हो पर ये फिजूल खर्ची है। अरे नाज़नीन भाभी, इस घर में खुशियों के आने जाने का हिसाब होता है, अशर्फियों के आने जाने का नहीं। वाह वाह, ये बड़ी बड़ी बातें छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा निकम्मा बेटा कहाँ है? अलादीन! मेरे बेटे को निकम्मा मत कहिए भाभी आप। वल्ला वल्ला, जबान तो घुटनों तक लंबी हुई जा रही है बहन, भूल गई? एहसान किया हमने तुझे और तेरे उस बेटे को यहाँ पनाह देकर, वरना जो तेरे शौहर ने किया उसके बाद कोई इसे पनाह देने को तैयार न था। भगोड़े बाप का चोर बेटा। बस भाभी बस, ये बात अगर आपकी जगह किसी और ने कही होती ना तो उसकी चोटी को बकरी की पूंछ से बांध देती और बकरी को दौड़ा देती, जोर जोर से तालियां बजाती और हर बार उसका मुंह बीच में लाती, मुंह ऐसा लाल हो जाता कि बंदर भी रोककर पूछते अम्मी अम्मी घर नहीं जाना। पर आप घर की बड़ी है, आपसे क्या कह सकती हूँ। पर इतना जरूर कहूंगी मैं भाभी, हम ना इब्ने बतूता के खानदान के हैं, ऐसे एहसान नहीं रखते किसी का। आप यही रुकिए।
मेरा मेरे बेटे को ये लीजिए, आप बड़ी हैं, मेरी तरफ से तोहफा समझकर रख लीजिए। असली है। अरे आटो, नाज़नीन भाभी को लगता है मेरा अलादीन निकम्मा है, लेकिन देखना एक दिन मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। हाँ बड़ा आदमी नहीं अम्मी, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, शहजादा बनूंगा, फिर एक पांव जमीन पे और एक पांव आसमान में। अरे नहीं नहीं, ऐसे तो तेरा पजामा ही फट जाएगा। तू यही चाहता है ना कि तेरी अम्मी सुई धागा लेके तेरे फटे पजामे सिलती रहे। हाँ अम्मी ये तो एक मिसाल थी, और वैसे भी तब पैजामों की कमी कहाँ होगी। बात तो तू ठीक कह रहा है, तेरे सारे ख्वाब जरूर पूरे होंगे। ख्वाब तो जरूर पूरा होगा अम्मी। सात साल की उम्र का था जब पहली बार उन्हें देखा था, देखते ही प्यार हो गया था। आधी बात तो पक्की हो चुकी है मेरी तरफ से, आधी भी पक्की हो जाएगी जब तुम मुझे देखोगी। ना जाने कैसी होंगी शहजादी यास्मीन, गुलाब के फूल से भी ज्यादा नाजुक। उसकी हर अदा में नजाकत होगी। शर्म होगी, हया होगी। जब हम मिलेंगे तो हमारे बीच कोई नहीं आएगा यास्मीन, कोई नहीं। वजीरे आला, आसमां से लेकर जमीन तक जल चलेगा राज हमारा,
यास्मीन भी हमारी होगी। बगदाद का ताज भी होगा हमारा। फौलाद के हैं बाजू दोनों, शोला सीने में आग सा है। तख्त मिलेगा, इंतजार बस जादुई चिराग का है। अब तक आपने देखा, मल्लिका ने हसन को चिराग में कैद कर लिया है और अब 500 साल बाद चिराग का असली हकदार अलादीन बगदाद में जन्म ले चुका है, जिसे मजबूरी में काला चोर बनना पड़ता है। ना जाने कैसी होंगी शहजादी यास्मीन। एक तरफ जहां अलादीन चिराग की मौजूदगी से अनजान है, वहीं दूसरी तरफ वजीर जफर ने अपने गलत इरादों को पूरा करने के लिए चिराग को पाने का जाल बिछा दिया है। इंतजार बस जादुई चिराग का है। अब आगे। बहुत खूब शहजादी, बहुत खूब। आपके लिए छोटा सा तोहफा लाएं। 500 कोस दूर जमजम बाग से गुलाब का फूल। अगर कल आप दावत अमन में इस फूल को लगाकर आ गईं, तो हमारी इज्जत कट गई। आप कुछ कह रहे थे वजीर आजम? जी हाँ, यही कि ये तलवारबाजी आप आखिर कब तक करते रहेंगे? कभी ना कभी आपको भी किसी बांके छेले नौजवान का हाथ थामना हो। क्या आप जानती हैं बादशाह सलामत को आपकी शादी की कितनी फिक्र है? हर वक्त वो यही सोचते रहते हैं कि उनके बाद बगदाद के तख्त पर आखिर कौन बैठेगा। हमारा मानना है कि हिंदुस्तान से लौटने के बाद आपको अपने अब्बा हुजूर को इस मुश्किल से निजात दिलाना चाहिए। आप सही कह रहे हैं वजीर आजम, अब्बा हुजूर के हिंदुस्तान से लौटते ही हम उनकी मुश्किल आसान कर देंगे। हम उनसे कह देंगे कि उनके बाद बगदाद के तख्त पर हम बैठेंगे। हम शादी नहीं करेंगे और हम दुनिया की सबसे पहली सुल्ताना बनेंगे। लेकिन शहजादी वो सफेद माल। उम्र का मैं हमारी, लेकिन तजुर्बा बहुत ज्यादा। हम आपके रंग भिजवा देंगे ताकि आप अपना तजुर्बा रंग सके वजीर आला। जी शुक्रिया। अलविदा। अरे अरे, यहाँ क्या कर रहे हैं? चल अंदर जा, देख नहीं रहा, प्याज काट रही हूँ मैं। बस अम्मी, अब तुझे काम करते हुए देखना मुझे अच्छा नहीं लगता।
अब लगता है कि घर में बहू आनी चाहिए जो मेरी बूढ़ी अम्मी की खिदमत कर सके। बूढ़ी? तुझे मैं बूढ़ी दिखाई देती हूँ? निकालू खानदानी चप्पल बताओ तुझे। मैं तो मजाक कर रहा था। तो बता कैसी लड़की से शादी करेगा तू? जिसकी आंखों की नमकीन गुस्ताखियां। नमकीन वाले की बेटी से शादी कर लेगा? अम्मी मैं जानती हूँ मेरा बेटा शहजादी यास्मीन से शादी करेगा, है ना? हाँ अम्मी, और पता है कल दावत अमन का आखिरी दिन है, कल शाही जुलूस में शहजादी की पालकी निकलेगी और वो मैं देखने जाऊंगा। पर ये कपड़े पहन के जाएगा तू उसे देखने? हाँ। तू यहीं रुक, मैं अभी आई। नए कपड़े ले लेना। अम्मी तू ना जरूरत की अशरफियां बचा के रखती है। माँ अपने बेटे के लिए धूप दुआएं और उम्मीदें तक बचा कर रखती है, तो फिर अशरफी क्या चीज है? सुन, तू हर साल जाता है शहजादी को देखने और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। मेरा दिल कहता है कि तू इस बार शहजादी से जरूर मिलेगा। अम्मी ये अशरफी तुझे हकीम साहब को देनी थी ना। थोड़ी सी खांसी थी, हकीम की जरूरत ही नहीं पड़ी। अम्मी सच कह रही हूँ, शहद और अदरक खाया था ना उस दिन, उसके बाद ठीक हो गई। और कल जब तू शहजादा बनकर निकलेगा तो तुझे देखकर बिल्कुल ठीक हो जाएगी तेरी अम्मी। अरे दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी है। कल मैं शहजादी से मिलकर रहूंगा। पर जल्दी जा वरना देर हो जाएगी। हाँ। तुझे पता है कितने महंगे कपड़े हैं? गुदगुदी से बच्चे हंसते हैं, जब पैसे जेब में बसते हैं तब सारे कपड़े भी सस्ते लगते हैं। ये असली वाली अशरफी तेरे पास कहां से आई? ओ समझा, तेरा गद्दार बाप तुझे देकर गया होगा। आपको कैसे पता कि मेरे अबू गद्दार थे? अरे लोग कहते हैं। आपको पता है अगर मैं आपके यहाँ से कपड़े नहीं लूंगा तो क्या होगा? क्या होगा? मेरा क्या है, मैं तो दूसरी दुकान से जाके कपड़े ले लूंगा, लेकिन लोग तो कहेंगे ना कि अरे तुम तो बग्गू दुकानदार के यहाँ गए थे, वहां से कपड़े क्यों नहीं लिए। आपकी बुराई थोड़ी ना करूंगा, मैं तो कह दूंगा कि बस ऐसे ही। पर बातें बनाने वाले लोग तो बातें बनाएंगे, वो तो कहेंगे ना कि बग्गू दुकानदार कपड़े महंगे दे रहा होगा। अरे महंगे नहीं भाई साहब, घटिया कपड़े, अब जल्दी फटने वाले। फाड़ दिया। बात फैलेगी, आपके हाथ से एक रुमाल तो क्या एक धागा भी नहीं खरीदेंगे। आप दुकान से सड़क पे आ जाएंगे, आपके हाथ में अशरफी नहीं एक कटोरा होगा, लोग उसमें भीख डालेंगे और आप कहेंगे अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। ठीक है भाई मैं चलता हूँ। अरे 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 मेरे बाप, तुझे जो चाहिए वो ले, पर मुझे बख्श दे। क्या भारी है ये पित्ती। अरे मैं तुझसे ही मिलने आ रहा था, तू मेरी चाची की किराएदार, मेरी बचपन की दोस्त, उसके बाद भी तेरे पास मुझसे मिलने का वक्त नहीं है ना। वाह ये चल झूठे, तेरे पास भी तो वक्त नहीं होता। वैसे पिद्दी तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ क्या बात करनी है? शहजादी यास्मीन के बारे में। मुझे बहुत सारा काम है,
मैं नहीं बात कर सकती, मुझे शहजादी के लिए फूल लाना है, फूल के लिए पानी लाना है, पानी के लिए बाल्टी लानी है, बाल्टी के लिए रस्सी लानी, रस्सी के लिए कुछ लाना पड़ेगा ना, मैं नहीं बात कर सकती। रुकना प्रीति, अरे प्रीति सुनना, तो ये हाथ आगे करे क्यों खड़ी है? बोलना, तू कुछ बोलने वाला था? देख प्रीति, तूने आज तक मुझे शहजादी से मिलवाया नहीं है, और कल तो दावत अमन है, कल शहजादी की पालकी महल से बाहर निकलेगी, तू मुझसे वादा कर कि कल तू मुझे शहजादी से मिलवाएगी। मुझे यकीन है शहजादी को मैं याद तो जरूर रहूंगा। कल तू याद होगा उसको। कुछ कहा? हाँ, नहीं, एक घंटा बर्बाद हो गया तुझसे बात करते करते। प्रीति, एक घंटा नहीं, 10 साल 3 हफ्ते 1 दिन 3 घंटे और 15 लम्हों पहले की बात है ये। अरे ऐसे कैसे हो गया, एक और डालो। दुनिया को गुलाब देखकर इश्क याद आता है, और मुझे टमाटर देखकर। दौलत में लाऊंगा जमाने की चुराकर, कमाकर दौलत में लाऊंगा जमाने की कमाकर, मेरे चाचा कद्दू और मेरा प्यार टमाटर, बाबा मेरा प्यार टमाटर। अलादीन आसमान के चांद को देखता रहेगा तो जमीन के फूल को नहीं देख पाएगा। जादुई चिराग। बस एक मर्तबा ये चिराग और उसका जिन हमारे बस लग जाए तो फिर क्या है, शहजादी भी हमारी, बगदाद भी हमारा। तुम दोनों इस जले हुए नक्शे का आधा हिस्सा नहीं बना पाए। जीजा जी, मुझे लगता है कि कोई आपको बेवकूफ बना गया है। हाँ जीजा जी, ये जिन, ये जादुई चिराग, ये सब कहानियां हैं। कहानी नहीं, हकीकत है, हकीकत है। ये नक्शा उमर ने बनाया था, उमर झूठ नहीं बोलता। अब्बू के बारे में लोग जो कुछ भी कहते हैं, क्या वो सच है? बताना, आज से 20 साल पहले अब्बू ने क्या किया था? 20 साल पहले अगर उसने हमारे साथ हाथ मिला लिया होता तो बगदाद के बादशाह हम ही होते। कमबख्त, बड़ा ही नेक और वफादार किस्म का निकला।
मुझे सच जानना है अम्मी, क्या अब्बू वाकई एक गद्दार? अलादीन, अलादीन, हमने उस पर गद्दारी का इल्जाम लगा दिया। खबरदार जो दोबारा ऐसी बात कही तो तेरे अब्बू गद्द तेरे अब्बू एक नेक और बहादुर इंसान है और मरे नहीं है, वो जिंदा है। अलादीन, मेरा दिल कहता है वो एक दिन लौटकर जरूर आएंगे, वो जरूर लौटकर आएंगे। अम्मी, उमर फरार हो गया और जाते जाते जादुई चिराग तक पहुंचने वाले नक्शे को जला गया। ये आधा नक्शा हमारे हाथ पड़ गया। भला कोई आधे नक्शे के साथ जादुई चिराग कैसे ढूंढ सकता है? एक आदमी है, काला चोर। अम्मी, मुझे नहीं पता कि अब्बू गद्दार थे या नहीं, जिंदा है या नहीं, लेकिन इतना पता है कि अगर वो यहां होते तो आप इन हालात में नहीं जी रही होती। लोग हमें ताने नहीं मारते और मैं काला चोर नहीं बनता। अब्बू ने हमें बहुत बुरे हालात में छोड़ा है, लेकिन मैं ये हालात बदल कर रहूंगा। मैं काश मेरे पास कोई जादू होता जिससे मैं अपनी अम्मी को इस गरीबी से दूर ले जा सकता। अम्मी, उठ गया तो हाथ में धोकर तैयार हो जा, नाश्ता लाती हूँ तेरे लिए। लगता है कल रात की बात से अम्मी अभी तक नाराज है, लेकिन मुझे पता है अम्मी को कैसे मनाना चाहिए। अलादीन तैयार हो गया, नाश्ता लाई हूँ तेरे लिए। कहाँ चला गया? पहचानो कौन हूँ मैं? बेवकूफ। अम्मी, माँ अपने बेटे की हर आहट हर धड़कन तक पहचान लेती है, तुझे लगा मैं तुझे नहीं पहचानूंगी? चलिए, अब पहचान लिया तो देख भी लीजिए और बताइए कैसा लग रहा हूँ मैं। बचना है हसीनो, लो मैं आ गया, हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। ये कौन सा गाना है? है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। अच्छा अम्मी, आज तो मैं शहजादी से मिलके ही लौटूंगा। हाँ, लेकिन लेकिन जैसे लफ्ज ज़बान से मत लाइए अम्मी, अपने बेटे पे यकीन कीजिए। हाँ लेकिन, हाँ लेकिन ये गुंजाइश ही नहीं है। आज आपका बेटा चाचा की दुकान में जाके इतना कर देगा कि आज की शाम किसी और के नाम पर मैं नाश्ता करके जाऊंगा और उसके लिए गुलाब भी लेके जाऊंगा। अरे लेकिन पतलून तो पहन के जाओ। हाँ बेटे की तुम गुलबदन, कैसा लग रहा हूं मैं? नए कपड़े लिए, बताना कैसे लग रहे हैं? हाँ, मेरे पुराने कपड़ों जैसे। आज तो शहजादी मुझे देखते ही कहेगी। गुल्लू। क्या कहा? गुल्लू। गुल्लू कहेगी तुझे। गुलबदन, गुलबदन। भाई मेरा भाई। भाई मेरे कपड़े तो नए हैं, लेकिन ये जूते कहाँ मिलेंगे? तेरी जैसी हरकतें हैं, जूते तुझे हर जगह मिलेंगे।
भाई मेरा भाई, फूल। ये फूल किसके लिए? आज आज मैं उसको दूंगा। किसको? उसको। अरे बकरी को। चारे के दो पैसे बचेंगे, बकरी को खिला देना ये फूल। आज तू शहजादी को देखने नहीं जाएगा। क्यों चाची? आज दावत अमन की आखिरी रात है। काला चोर हम तक पहुंचेगा। काले चोर के जरिए हम जादुई चिराग तक पहुंचेंगे। काले चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछा के रखा है हमने। बिल्कुल ऐसे ये है उस काले चोर को जाल में फंसाने का चारा। जमींदार हबीबुल्ला ने बादशाह सलामत को लगान नहीं दिया, इसलिए उसके खानदानी नीले हीरे की नीलामी हो रही है और आज रात ये नीला हीरा सरकारी मालखाने में रखा जाएगा। सारी दुनिया दावत अमन में मसरूफ होगी। काला चोर चोरी कर रहा होगा। हबीबुल्ला से चुराया हुआ नीला हीरा काले चोर को हम तक पहुंचाएगा। भाई मेरा भाई हीरा चोरी कर लेगा और जमींदार हबीबुल्ला की बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। बेटा अगर तू ये हीरा लेकर आएगा ना तो हमारी पुश्ते बैठ कर खाएंगे। जूता खाएंगे हमारी पुश्ते। चाची उस हीरे पे बहुत कड़ा पहरा होगा, उसे चुराने की कोशिश करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। तो एक समझदारी का काम मैं कर देती हूँ। आप अब्बू को तलाक दे रही है? अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम तेरी मम्मी को बता देंगे कि जिस काले चोर से वो इतनी जी जान से नफरत करती है वो काला चोर कोई और नहीं, उसका अपना लाडला बेटा है। काला चोर सोच उस बेचारी के दिल पे क्या गुजरेगी। बाय मेरा बाय काला चोर। ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरा लाल इस कमबख्त मारे काले चोर जैसा नहीं है। जिस काले चोर से वो इतनी जी जान से नफरत करती है वो काला चोर कोई और नहीं, उसका अपना लाडला बेटा है। परसों पहले अम्मी की दवाई के पैसों के लिए चाचा चाची ने चोरी करवाई थी और आज उनकी वजह से दुनिया की सबसे नेक औरत का बेटा बगदाद का सबसे बड़ा चोर बन चुका है। बोलिए जमींदार हबीबुल्ला। शहजादी यास्मीन हमें इंसाफ चाहिए, हमने लगान हमेशा वक्त पर भरा है, फिर भी सरकार ने हमारा हीरा जब्त कर लिया। ये जरूर किसी की साजिश है। वो नीला हीरा हमारे मरहूम अब्बा की आखिरी निशानी है। आपके अब्बा हुजूर हमारे बादशाह सलामत बहुत ही भोले हैं। उन्हें किसी ने हमारे खिलाफ भड़काया है। हमने सारा लगान वक्त पर भरा है। महल में जरूर कोई है
जो बादशाह सलामत के साथ धोखा कर रहा है। अगर आपके साथ वाकई में नाइंसाफी हो रही है तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको इंसाफ दिलाना हमारी जिम्मेदारी है, आपकी होने वाली सुल्ताना की जिम्मेदारी। शुक्रिया शहजादी। आपने वादा तो कर दिया लेकिन आप इंसाफ कैसे करेंगी, क्योंकि अभी तक तो आप सुल्ताना बनी नहीं है। हमें सुल्ताना होने का हक भले ही बाद में मिले पित्ती, लेकिन सुल्ताना होने का फर्ज हमें अभी निभाना होगा। लेकिन शहजादी, जब तक बादशाह सलामत और बेगम साहिबा हिंदुस्तान से वापस नहीं आ जाते तब तक आप संभल के रहिए, क्योंकि आज शाम को शाही जुलूस में आपकी पालकी निकलने वाली है। आज कोई खतरा मत उठाइएगा। नीला हीरा चुराना ही पड़ेगा। हमें हबीबुल्ला का नीला हीरा बचाना ही पड़ेगा। शहजादी, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे आपको फूल दे रहे हैं। और देखिए बच्चे कितने प्यारे हैं। शहजादी हाथ बाहर हिला लीजिए। हाँ, बहुत अच्छे। शहजादी अभी हाथ अंदर कर लीजिए, नहीं तो गहने सारी चोरी हो जाएंगे आपके। अलादीन कहाँ रह गया? क्या किस्मत है मेरी, वहां गुलबदन शहजादी को देख रहा होगा और मैं मदद करो ना, बहुत कस के बंदा हुआ है। अच्छा हाँ, रुकी। पिद्दी, पिद्दी। शहजादी मैं अभी आई। हाँ, अभी आई। पिद्दी। जी चाची, आपने बुलाया? घर पे सब ठीक है ना बेटा? यहाँ से वहाँ हमेशा दौड़ते रहते। कसम तो उन्हें किया शर्फियों की, अब इतने से किराए में चूहे नहीं तो क्या घोड़े दौड़ेंगे। दौड़ने से चूहों को घर में बरकत लगी रहती है। तो ये सब बातें छोड़, हमारा एक काम कर दे, ये मेरे गुल्लू को ना शहजादी से मिला दे। चल। अब चाची जी, वो मैं क्या बोली थी? क्या हुआ, ये पकौड़े जैसा मुँह क्यों फुला लिया? देख बेटा, आजकल महंगाई तो देख रही है ना, रातों रात किराया बढ़ गया तो चूहे दौड़ते देखने के लिए भी आंखें तरस जाएंगी। ले जा बच्चे, ले जा। कम कर जाना। चलो। शहजादी यास्मीन, पूरे बगदाद में अगर किसी के पास बेपनाह हुस्न और खूबसूरती है तो वो है गुलबदन। अरे आप एकदम से मत देखिएगा, कहीं मेरे हुस्न को देखकर आप बेहोश ना हो जाएं। अरे पिद्दी, ये शहजादी मेरे हुस्न को देखकर बेहोश तो नहीं हो गई? मेरी तरफ देखी नहीं है। अच्छा, मैं देखती हूँ।
ये लोग पहले से बेहोश हैं। इसका मतलब मुझसे पहले हीरा चुराने यहाँ कोई और आ गया है। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो शहजादी है ना, बहुत ज्यादा नाराज है तुमसे। क्यों? क्योंकि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो ना, तो तुम्हारी खूबसूरती को देख के ना जल गई है अंदर से, बहुत ज्यादा नाराज है। वो क्या है ना, मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है। अब मैं हूँ ही इतना हसी, अगर शहजादी परी है तो मैं भी परा हूँ। गुलमदन तुम ना जाओ अभी, शहजादी बहुत ज्यादा गुस्से में है। अलविदा शहजादी। अलविदा पिद्दी। अच्छा पिद्दी सुन ना, किराएदार नहीं हो तो तेरे जैसी। अब्बू अम्मी, शहजादी कहाँ चली गई? तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। ये कौन सा गाना है? अब है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर, वो भी तुम्हारी जैसी किसी नकलची चुरनी के लिए। अरे मैं माफ करना,
लड़की और चोरी। और मैं तो बस ये हीरा तो नकली है। नकली माशाल्लाह। काले चोर के बारे में जैसा सुना था बिल्कुल वैसे ही पाया। अब तुमसे बेहतर असली और नकली की परख कौन जान पाएगा? कौन है आप? एक शरीफ आदमी। शरीफ आदमी चोरों से मिलने कब से आने लगे? चाहते रहो, समझदार भी हो। जल्दी मैं भी हूं, अलविदा। जानना नहीं चाहोगे कि आखिर ये शरीफ आदमी तुमसे मिलना क्यों चाहता है? मुझे आप जैसे शरीफ आदमी से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं। 10,000 अशरफियों में तो होगी दिलचस्पी मियां। मैं जानता था एक चोर दौलत की बात सुनकर रुकेगा जरूर। क्यों नहीं जानेंगे, आखिर एक चोरी तो दूसरे चोर को समझता है। हम चोर नहीं हैं। यूं कहिए कि चोर तो हैं, पर छोटे चोर नहीं। सामने वाला समझदार हो तो बात करने में मजा आता है। अब तो मैं भी समझ गया हूं कि आप यहां हैं इसका मतलब कि मुझे आपके लिए कुछ ना कुछ तो चुराना होगा। पर क्या? अगले जुमा तक तुम्हें हमारे लिए एक चीज चुरा कर काली पहाड़ी के पीछे हमसे मिलना हो। पर चुराना क्या है? वही जो आज तक कोई चुरा नहीं पाया। एक चिराग। यही कि जमींदार हबीबुल्ला सही कह रहे थे, महल में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और वो नीला हीरा जो उन्होंने सरकारी मालखाने में जमा करवाया था वो भी नकली था। तुम जानती हो पिद्दी, हम सच्चाई का पता लगाने ही वाले थे कि फिर वो काला चोर वहां पर आ गया। बगदाद का मशहूर काला चोर अब उनसे मिली। देखने में एकदम खुखार था ना? नहीं, दिखने में तो ठीक ही था, पर पिद्दी एक इंसान की परख उसकी शक्ल से नहीं उसके कामों से होती है। अम्मी ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, मेहनत की, पसीना बहाया, कितने लोगों के ताने से। देखो देखो गद्दार की बीवी जा रही है, बेशरम। पर अब
मैं अम्मी को दुनिया की हर खुशी लाकर दे सकता हूँ। 10,000 अशर्फियों में तो होगी दिलचस्पी मियाँ। रुखसार बेगम कसम लवे की अशर्फियों की एक अरसा हो गया, रोटी की तस्वीर तक नहीं देखी। अरे भाभी ये लीजिए और घर जाकर सब लोग मिलकर अच्छे से पेट भर खाना खाइए। हाँ अरे रुखसार बेगम सलामत रहे, रुखसार बेगम सलामत रहे, रुखसार बेगम। अम्मी अब रानियों की तरह रहीं। नीता जी ऐसे कीजिए, ऐसे बनाती वाला, आपने ऐसे करो, ऐसे ऐसे हाथ करके, ऐसे ऐसे। ये भी कोई अंदाज है? इससे अच्छा तो मेरा अंदाज था। चुप हो जा तू, वरना तेरे अंदाज की मैं पूरी तल देनी है। मैंने तल की दिखा, तल के दिखा, पूरी तल तल। चुप करो। हमारा ख्वाब सच होने वाला है। 20 साल पहले जादुई चिराग का नक्शा जलाकर उमर ने जिस ख्वाब को हमारे बर्बाद कर दिया था, आज वही जादुई चिराग काला चोर हमारे कदमों में लाकर रख देगा। पर जीजू, उस चिराग में ऐसी क्या खास बात है? जहां का सबसे अजीम और शान और ताकतवर इंसान बना दे। ये हमें बगदाद का क्या, इस जहां का बादशाह बनाएगा। ये है जादुई चिराग का चिन्ह। जीजू ये कितना बड़ा है। ऊपर से भी बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसको तो रखने के लिए किसी खास जगह की तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी तो करनी होगी, लेकिन बगदाद के तख्त पे बैठने की तैयारी इस खौफनाक चिन्ह के जरिए हम बगदाद की बादशाह